बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हकीम शाकिब अली यूट्यूब चैनल देखने वाले तमाम हज़रात का शुक्रिया। आप लोगों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ फिर से एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे हज़रात के बारे में बात कर रहा हूँ जिनको एहतलाम की बहुत ज़्यादा शिकायत है, ज़रियान का मसला है, रात को सोते हुए जो है सारी मनी निकल जाती है जिसकी वजह से नापाकी पैदा होती है और कमर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, वीर्य बिल्कुल पानी की तरह पतला हो चुका है और टाइमिंग में भी जो है इससे फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे हज़रात इस नुस्खे का इस्तेमाल अगर करेंगे तो इंशाल्लाह 40 दिन के अंदर आपकी एहतलाम की शिकायत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब चलिए नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ आपको लेनी है, दो चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। एक तो आपको लेने हैं काहू के बीज और शरबत नीलोफर, दोनों चीज़ें आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी, ठीक है। 7 ग्राम लगभग 7 मासा आपको काहू के बीज लेने हैं और जो है शरबत नीलोफर लेना है। अब इसे इस्तेमाल किस तरीके से करना है, 7 मासा काहू के बीज को पीस लीजिए और 125 ग्राम पानी में मिला दीजिए और उसके अंदर 4 ढक्कन शरबत नीलोफर का मिला के, ठीक है, अच्छी तरीके से रोज़ाना आपको इसको पीना है, सुबह को खाली पेट और शाम को सोते वक्त, रात को सोते वक्त इसको रोज़ाना पीना है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस नुस्खे से देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा नुस्खा है, ठीक है दोस्तों, इस नुस्खे को ज़रूर आजमाइएगा। जिस भाई को ज़्यादा परेशानी है वो कॉल करके इलाज भी करा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको नुस्खा समझ में आ गया होगा। बाकी कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हैं या कॉल करके मालूम कर सकते हैं। चलता हूँ, मिलूँगा अगली और नई वीडियो में। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।